खबरों में बने रहने के लिए YouTube पे लाइव शिवट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवट में सबसे एक्साइटेड वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जुड़ी शिवट की तमाम बड़ी खबरें। शिवट जिले से 31 व्यक्तियों के सैंपल में से 30 निगेटिव, 1 पॉजिटिव रिपोर्ट पाया गया। जिलाधिकारी बाहर से आए हुए लोगों को देखकर घबराया नहीं, प्रशासन को सूचना दी, अफवाहों पर ध्यान न दे। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कहा, शिवर कोरोना वायरस को लेकर शिवर का सुखिया कटसरी पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। जिले में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सुखिया वार्ड नंबर 7 व गढ़वा गांव को सील किया गया है। डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष अशोक कुमार राय समेत अन्य पुलिस कर्मी लगा रहे हैं गश्ती। शिवहर जिले में प्रत्येक व्यक्ति व वाहन पर पुलिस की पैनी नजर। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सुगिया गांव को किया गया पूरी तरह से सील। हर घर को किया जा रहा है सैनिटाइज। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह व सह प्रभारी पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने किया गांव का भ्रमण। कोरोना वायरस मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं तो देना होगा जुर्माना। एसडीपीओ राकेश कुमार ने जानकारी। आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसानों। तरियानी छपरा में भयंकर आंधी तूफान व ओलावृष्टि से एल्वेस्टर के घर टूट फूट गए, मुखिया श्याम बाबू सिंह ने बताया। सीतामढ़ी आंधी तूफान के साथ जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं का फसल बर्बाद, किसान परेशान। रीगा के पोखर भिंडा के अलावा कई गांवों में हुई ओलावृष्टि। हिरम्बा थाना क्षेत्र में सलेमपुर पंचायत के बेराही दुल्ला गांव में गेहूं और मक्का फसल बर्बाद, सभी किसान परेशान। मौसम अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। 36 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बारिश की संभावना। 24 और 25 अप्रैल को हल्की बारिश की संभावना। 26 से 29 अप्रैल के बीच भयंकर आंधी तूफान ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश।